लैंगिक कठोरता बिना दवाई ठीक करने के 6 टिप्स, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं हमने तो दवा ली हुई है, हमने आयुर्वेदिक लिया, एलोपैथी लिया, यूनानी लिया, हमने वायग्रा लिया, तभी भी ठीक नहीं हो रहा है, लैंगिक कठोरता जैसी चाहिए वैसी नहीं आ रही है। फिर हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि भाई उनको मॉर्निंग इरेक्शन आता है, सुबह सुबह उनका टाइटनेस अच्छा आ जाता है। अच्छा, रात में भी जब कभी उठते हैं तो कभी कभी उनका नॉक्टर्नल इरेक्शन है वो भी आता है। तो ये दोनों टेस्ट है, ये टेस्ट का ये है कि भाई ये साइकोलॉजिकल है। ये जो इरेक्शन नहीं आ रहा है पार्टनर के साथ में, पत्नी के साथ में या स्त्री के साथ में, वो साइकोलॉजिकल है ना कि वो फिजिकल है। तो फिर साइकोलॉजिकल यदि आपको ठीक करना है तो आपको आपकी साइकोलॉजी ठीक करनी होगी और वैसे ही फिजिकली फिट होना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इसके लिए आपको मैं 6 टिप्स दे रहा हूँ। ये 6 टिप्स का आप पालन करते डेफिनेटली आपको लैंगिक कठोरता में फायदा होगा, लैंगिक कठोरता ज़्यादा आएंगी, आपका सेक्स लाइफ अच्छा हो जाएगा। इसमें नंबर 1, मेंटेन योर बॉडी। मेंटेन योर बॉडी मतलब अपने इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और वो एनर्जी का वापर जो है हम गलत जगह पे करते हैं, तो वो गलत जगह पे एनर्जी का वापर करना नहीं है। उससे क्या होता है कि दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, स्ट्रेस आने से दिमाग ठीक काम नहीं करता है, उसका असर सेक्स के ऊपर होता है। एनर्जी का वापर कैसे करते हैं? एनर्जी का वापर हम करते हैं अपसेट होके चिल्लाने में, गुस्सा करेंगे, उल्टा पुल्टा बोल देंगे, संबंध खराब करेंगे, नंबर 2 के काम करेंगे, ब्लैक मनी जनरेट करेंगे, नंबर 2 के काम करेंगे, टैक्स चुकाएंगे, नंबर 3 व्यापार में खोटा काम करेंगे। देखो मैं नहीं बोलता हूँ कि आप कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करते होंगे तो बंद करो, खोटा काम करेंगे। नंबर 4 कस्टमर को जैसी सर्विस चाहिए वैसी सर्विस नहीं देंगे। नंबर 5 कुछ ऐसे काम करेंगे जो अपने आप को पसंद नहीं है, अपने अंतर मन को पसंद नहीं है, अपने मालूम है कि ठीक नहीं कर रहा हूँ तभी भी करेंगे। तो ये जो है इसका जो असर है वो बॉडी के ऊपर होता है। तो बॉडी को अच्छा वापरना है हमको, तो हमारा दिमाग अच्छा करना चाहिए और बॉडी में जो एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, बॉडीली एनर्जी है, उसका वापर अच्छे काम में यदि करते हैं तो डेफिनेटली आप तंदुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे। नंबर 1, सो यूज़ योर बॉडी एंड यूज़ योर माइंड। नंबर 2, कनेक्ट विथ नेचर। आप नेचर के साथ में कनेक्ट हो जाओ, सुबह उठो, एक्सरसाइज घर में करने के बदले बाहर जाओ, जंगल में जाओ, घूमो फिरो, पेड़ों के साथ में बातचीत करो, पेड़ों की हवा खाओ, बहुत मज़ा आएगा। आसपास में कोई बोटिंग की जगह हो वहाँ चले जाओ, बोटिंग करो, मतलब ऐसे नेचर के साथ में आप कनेक्ट करते हैं, वहाँ जाके मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको मेंटल अंदर मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जाने का मौका मिलेगा। जब आप जाते हैं कनेक्ट करते हैं, जब आप बाहरी जो चीज़ें हैं वो बंद कर डालते हैं, बाहर जो चीज़ें अंदर आ रही है बाहर से जो नहीं चाहिए, वो बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, सब बंद कर देना है। नेचर में जाते हो तो वहाँ बहुत अच्छा भी लगता है, शांत हो जाता है और बहुत आप फिट रहेंगे मानसिक और शारीरिक दृष्टि से। नंबर 3, फूड, खाना, जिसमें आपने बैलेंस डाइट खाना चाहिए। जंक फूड खाते हो और जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ खाना, फिर नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाना, उससे पेट खराब हो जाना, तो इससे क्या होता है कि मतलब फिट नहीं रहते बॉडीली और फिर उसका असर आपके सेक्स के ऊपर होता है। आप यदि सफ़ेद पेठा का जूस लेते हैं, सफ़ेद पेठा लाना, उसका काटना, उसका जूस तैयार करना, चाय के बदले सुबह सफ़ेद पेठे का जूस लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा, इम्यूनिटी आपकी बढ़ेंगी। उसके साथ साथ आप 2 चम्मच शहद लेते हैं, 2 चम्मच शहद सवेरे, 2 चम्मच शहद शाम को, और प्योर शहद, तो उससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। 3रा, फूड के साथ साथ मैं जो हरदम बोलता हूँ वो फल्ली दाना और गुड़, उसका बहुत अच्छा फ़ायदा अपने खून के ऊपर होता है, खून अच्छा बढ़ता है, आयन जो है वो जो कम रहता है वो अच्छा बढ़ जाता है,
और फिर करकुमिन मतलब हल्दी और गुड़ ये आप लेते हैं तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है और सेक्स के ऊपर इसका फ़ायदा होगा। तो मैंने जो बताया, नंबर एक पेठा, नंबर दो शहद, नंबर तीन फल्ली दाना और गुड़, और नंबर चार करकुमिन मतलब हल्दी और गुड़। हल्दी और गुड़ के छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं आप और खा सकते हैं, मैं खुद लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, उससे बहुत मतलब ये जो सर्दी जुकाम खांसी वगैरह दूर चली जाती है, आती भी नहीं है। नंबर चार, आपने फास्ट करना जरूरी है। फास्ट हमारे शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है कि भाई कम से कम हफ्ते में एक बार फास्ट करो, उससे आप बहुत फिट रहेंगे मानसिक और शारीरिक दृष्टि से, उसका बहुत अच्छा असर आपके सेक्स लाइफ पर होगा। तो आप जब फास्ट करते हैं तो 16 घंटे का फास्ट होना जरूरी है। अब बोलेंगे बाबरे 16 घंटे बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर आपने उसके लिए वो लगना नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा है। इसके लिए क्या करना है कि शाम का खाना यदि आप शाम 6 बजे के पहले खा लेते हैं और सुबह 10 के बाद में आप नाश्ता वगैरह करेंगे तो आपको 16 घंटे हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 16 घंटे में जो आपने मतलब शाम को 6 बजे के पहले खाना खा लिया तो पहले 4 घंटे तक आपने जो खाना खाया वो पचाने में चले जाता, पचाने में, और बाकी 12 घंटे जो है वो हमारे बॉडी को मिलते हैं अंदर की साफ सफाई करने के लिए। तो अंदर डालने का नहीं है 16 घंटे, वो यदि करते तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो 16 घंटे का फास्ट। नंबर पाँच जो है वो एक्सरसाइज। रेगुलर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन का सिक्रेशन होता है, डोपामिन का सिक्रेशन होता है, जिससे बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती होती है और सेक्स लाइफ के ऊपर उसका असर होता है। तो एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा अपने सेक्स लाइफ कर होता है। और नंबर छः सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है कनेक्ट विथ योर पार्टनर। कनेक्ट विथ योर पार्टनर इसका मतलब यह है कि आपके पत्नी के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में आप कनेक्ट हो जाओ। जितना अच्छा कनेक्शन आपका रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा सेक्स लाइफ होगा। जो भी आपके डिफरेंसेस है, जो भी मतभेद है, जो भी तान तनाव है, अनबन है, उन्हें आप दूर करते हैं, ओपन कम्युनिकेशन करते हैं, ओपनली कम्युनिकेट करना, जो भी है वो सच्चाई बता देना, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साथ में दोनों साथ में घूमने जाते हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं काम में, काम ऑफिस का हो या घर का हो उसमें मदद करते हैं और प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव। तो ये जो करते हैं कनेक्टिंग विथ योर पार्टनर से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आप करते हैं तो आपको प्री मैचुअल इजैकुलेशन में फ़ायदा होगा और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी बहुत फ़ायदा होगा। दोनों भी मतलब तनाव की कमी और जल्दी निकल जाना, दोनों में भी फ़ायदा हो जाएगा। और ये जो 6 चीज़ें करते हैं ना तो आपको डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन नैराश्य रोग, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डिप्रेशन तो आपको आएगा ही नहीं, डिप्रेशन को आप वैसे ही भगा दोगे। तो 6 चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। नंबर एक अपनी बॉडी की और मन की ऊर्जा का वापर करो। नंबर दो कनेक्ट विथ योर नेचर। नंबर तीन फूड बैलेंस डाइट, और उसमें मैंने 4 आइटम बताए। नंबर चार फास्ट करना 16 घंटे का। नंबर पाँच एक्सरसाइज रेगुलरली करना। नंबर छः कनेक्ट विथ योर पार्टनर, बी वन विथ योर पार्टनर। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।